फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दिपेश गौर में, जहां पर हम बात करते हैं केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं, ऑनलाइन व ऑफलाइन भर्तियों की। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन कॉल पर क्लिक करें ताकि आप सभी को वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सकें। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं कि अपने आधार लिंक की स्थिति, DBT की स्थिति कैसे चेक करें। ठीक है, ऑनलाइन के माध्यम से आप अपने आधार कार्ड लिंक स्थिति और DBT की स्थिति, जैसे कि आपके पास 4 से 5 अकाउंट है तो आपको पता नहीं चल रहा है कि हमारे सरकारी पैसे जो DBT के माध्यम से आते हैं, जैसे कि DBT का मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, तो किस बैंक में आ रहे हैं सरकारी पैसे DBT के माध्यम से, तो उसके लिए आपको ऑनलाइन एक प्रोसेस रहती है, वो करना रहता है। तो उस प्रोसेस के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि किस बैंक अकाउंट में DBT कब से आपकी एक्टिव है और कौन सी बैंक में पैसा जाता है। जैसे कि अभी उदाहरण के लिए मान लो कि लाडली बहना योजना का पैसा किस बैंक में जाने वाला है, किस बैंक की DBT एक्टिव है भी या नहीं, तो उसकी जानकारी अब ऑनलाइन माध्यम के प्रोसेस के माध्यम से समझ सकते हैं। तो बस आपको करना क्या होगा कि मैं जो स्टेप आपको बता रहा हूँ वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो आपको सबसे पहले क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है। देखिए, आप दो तरीके से DBT चेक कर सकते हैं। पहली DBT आप डायरेक्ट लाडली बहना के पोर्टल से जाकर चेक करते हैं, उसमें केवल आप लाडली बहना जिसने आवेदन किया है उनकी DBT की स्थिति चेक कर सकते हैं। परंतु हम जो बताने वाले हैं वो आप किसी व्यक्ति विशेष की नहीं, किसी भी व्यक्ति की आप DBT चेक कर सकते हैं, चाहे वो लाडली बहना हो या ना हो। ठीक है, तो चलिए हम डायरेक्ट चेक करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको सर्च में बार में लिखना है UIDAI। उससे पहले आपको बता दूं कि अभी तक आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप लिंक मिल जाएगी, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। UIDAI लिखकर आप जैसे सर्च करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो होने लगेगा। यहाँ पर आपको पहली वेबसाइट देखने को मिल रही होगी UIDAI, तो इस पर आपको क्लिक कर देना। ठीक है, हम इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एक नई वेबसाइट ओपन होगी और यहाँ पर आपको सबसे मेन बात इंग्लिश सिलेक्ट नहीं करना है। भले ही आपको इंग्लिश आती हो, हिंदी ना आती हो, पर आपको हिंदी ही सिलेक्ट करना है क्योंकि इंग्लिश में वो ऑप्शन उन्होंने हटा दिया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हिंदी ही सिलेक्ट करिएगा। तो हमने हिंदी सिलेक्ट कर ली है। इंग्लिश में अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो आपको वो ऑप्शन नहीं दिखाई देगा। ठीक है, DBT का स्टेटस देखने का ऑप्शन आपको नहीं दिखाई देता। तो हमने यहाँ पर कर दिया हिंदी पे क्लिक। अब हम कुछ देर वेट कर लेते हैं। अब हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो होने लगेगा। यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करते जाना है और यहाँ पर जो आधार सेवाएं आपको दिख रही हो, ठीक है, आधार सेवाएं यहाँ पर आपको दिख रही है, इस पर आपको क्लिक कर देना। आधार सेवा पर जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको फिर से स्क्रॉल डाउन करते जाना है और यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा आपको आधार लिंक स्टेटस। ठीक है, आधार लिंक स्टेटस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार का एक और नया पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो होने लगेगा। अब मैं अपनी खुद की DBT यहाँ पर आपको चेक करके बता देता हूँ ताकि आप सभी को यहाँ पर पता चल जाए। तो यहाँ पर अपना अकाउंट 12 नंबर का आधार कार्ड नंबर डाल देना है और यहाँ पर सिक्योरिटी कोड डाल देना और सेंड OTP पर क्लिक कर देना है। जैसे आप कैप्चा फिल कर OTP भी सेंड कर देते तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। ये देखिए, OTP सेंड योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, प्लीज चेक योर मोबाइल नंबर। तो हमारा OTP आ चुका है तो हम इसमें एंटर कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा OTP आ चुका है और हम इसमें सबमिट का ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, देख सकते हैं आप जैसे ही हमने OTP वेरीफाई किया हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो होने लगेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आधार चेक स्टेटस, सेंडिंग स्टेटस, सीडिंग स्टेटस, कॉन्ग्रेचुलेशन योर आधार बैंक मैपिंग हैज बीन डन। यहाँ पर आपको आपका आधार नंबर देखने को मिल रहा होगा, लास्ट के 4 डिजिट। यहाँ पर आपको बैंक स्टेटस, बैंक सीडिंग स्टेटस देखने को मिल रहा होगा, एक्टिव बैंक सीडिंग डेट कब से एक्टिव है हमारा, DBT कब से एक्टिव है, तो 4/2/2017 से हमारी DBT एक्टिव है। बैंक का नाम देख सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा। तो ये हमारा DBT स्टेटस चेक है। अगर आपके पास यह स्टेटस नहीं आता तो समझ लीजिए यहाँ पर अगर आपके पास ये डिटेल शो नहीं होती तो समझ लीजिए कि आपका बैंक में आधार कार्ड या DBT एक्टिव नहीं है। तो उसे जाकर जरूर करवा दीजिए ताकि आपको भी लाडली बहना योजना का लाभ मिल सके। तो दोस्तों, मिलेंगे ऐसी नए अपडेट, नई जानकारी, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट, अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए ताकि सबसे पहले अपडेट प्राप्त हो सके। और एक और बात, चैनल बनना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना ताकि सभी माताओं, बहनों, भाइयों को पता चल सके कि जो भी सरकारी पैसा आता है DBT के माध्यम से आता है तो अपनी ऑनलाइन DBT कैसे चेक कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।